पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। उनका ये सीधा आरोप है कि किसान आंदोलन को विपक्ष हवा देता है, जिसकी वजह से इतने नाजुक जो मुद्दा है देश का वो इस तरह से हिंसक बन जाता है बाद में। आपका जवाब? अभी मदद है भाई, अभी मदद है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। अंजना जी, बिन मौसम की बरसात होती है चुनावी साल में भारत रत्न की, तब सियासत कैसे नहीं आती? जुम करो। लेकिन वो किसान जो पिछले दो साल से आंदोलित हैं, एमएसपी को एक कानूनी गारंटी बनाना चाहते हैं, मांग कर रहे हैं कि 2021 नवंबर में उनसे वादा किया जाता है, मोदी जी गारंटी देते हैं। ये गड़बड़ है बाबा। कि लीगल गारंटी बनाई जाएगी, मोदी जी गारंटी देते हैं कि एमएसपी को स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले के अनुरूप ढाला जाएगा 24 फसलों के लिए। समझ रहे हो आप? और 2021 से अभी तक वो इंतजार कर रहे हैं। आज आंदोलित होते हैं तो इन्हें सियासत नजर आती है, जाकी रही भावना जैसी। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने। जो धान की कीमत दे न सका वो किसान की कीमत क्या जाने। लूट लिया जा भाई आपने, लूट लिया। मजा आया। तो ये कहावत तो हमने सुनी है बचपन से, राह में कांटे बिछा देना। लेकिन वो किसान जो अपनी मेहनत से उगाई हुई फसल की सही कीमत मांग रहा है, जो दिल्ली की बहरी सरकार का दरवाजा जोर से खटखटाने के लिए राजधानी में आना चाहता है, उसके रास्ते में न सिर्फ कांटे नश्तर, न सिर्फ 10-15 फीट की खाई, न सिर्फ पुराने वाहनों की पेचिया, न सिर्फ बुलडर और बड़े बड़े बैरिकेड्स, बल्कि आंसू गैस के गोले, पुलिस की गोलियां और लाठियां भी भांजी जाएंगी। ये सिर्फ एक तानाशाह सरकार करके दिखा सकती थी, इसीलिए मोदी सरकार ने किया है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। थोड़ी मर्यादा रखिए। अनुराग ठाकुर की बात आपने सुनाई, उन्होंने 2-4 प्रश्न उठाए, मैं उनका जल्दी से जवाब देना चाहूंगी। तो देखिए, किसान और किसानी से जुड़ी हुई हर चीज पर, चाहे ट्रैक्टर हो, फर्टिलाइजर हो, बीज हो, 12-18% की GST लगाकर प्रति हेक्टेयर जो किसान किसानी करता है उसमें 20,000 रुपए का इजाफा करके सम्मान निधि की बात कर रहे हैं। 500 रुपया महीना, ऊंट के मुंह में जीरा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये खैरात किसान को पकड़ाकर हाथ में समझना चाहती है कि बहुत बड़ा एहसान कर रही है मोदी सरकार। ऐसा नहीं है, ये भी मोदी जी की गारंटी थी कि किसानों की आय को दुगना करेंगे। आज NSSO की रिपोर्ट कह रही है कि एक साधारण किसान 27 रुपया दिन कमा पाता है। ये कौन सा अमृतकाल है किसानों के लिए, पूछा जाना चाहिए। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। कह रहे कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। 72,000 करोड़ का ऋण UPA सरकार ने किसानों का माफ किया। मोदी सरकार ने या किसी भी भाजपा की प्रदेश की सरकार ने 1 रुपए का ऋण माफ किया हो तो मैं आज जानना चाहती हूँ। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता तो नदारद हैं, क्योंकि वो जवाब ही नहीं दे पाएंगे इस बात। ठीक है, ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बात तो सही है। और एक बात में अंजना जी, एक बात में और पूछना चाहती हूँ कि आखिर भारत के किसान दिल्ली क्यों नहीं आ सकते अधिकारों की मांग करने के लिए। और ये संगीत रागी जी बैठे हैं, ये RSS से संबंध रखते हैं, आज इन्होंने खालिस्तानी फिर कह दिया किसानों को। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपक गई, नंबर एक का कबीला। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? मैं नहीं बोलूंगा। किसान खालिस्तानी है, आंदोलन जीवी है, परजीवी है, आतंकवादी है, अपने ही देश की जनता इन्हें साजिश करती हुई क्यों लगती है? क्या नरेंद्र मोदी इतने बड़े डरपोक शासक हैं कि वो अपने देश की जनता? मैं सवाल पूछूंगी उनसे। जली ना तेरी भी जली ना। देश संकट में है,